बेबस, लाचार, गरीब और मजबूर लोगों की समस्याओं के निदान के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की हेल्पलाइन के कर्मचारी ही शिकायतकर्ता को धमकी दे रहे हैं। शिकायतकर्ता की शिकायतों को निदान किए बगैर कर्मचारी लगातार उन पर शिकायतें वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में सरकार ऐसे कर्मचारियों पर कब कार्रवाई करेगी? सिंगरौली जिले के शिकायतकर्ता ने शिकायत के निदान के लिए सीएम हेल्पलाइन पर फोन किया, लेकिन फोन पर समस्या के निदान के बजाय भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। शिकायत बंद करने का दबाव बनाया जाता है। एक ऐसा ही ऑडियो शिकायतकर्ता की ओर से बताया जा रहा है कि यह ऑडियो पीसीओ शंकर दीपांकर का है, जिसमें आवाज स्पष्ट सुनी जा सकती है, जबकि रिपोर्टर इस आवाज की पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सीएम हेल्पलाइन 181 किसी भी समस्या के समाधान के लिए संचालित की गई है, लेकिन बड़े अधिकारियों के सह पर कर्मचारी बिना निराकरण किए शिकायत को जबरन बंद कराने का दबाव बनाते हैं। आखिर क्यों? ऐसे में शिकायतकर्ता तो बेबस और मजबूर होते रहते हैं, उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाता है। ऐसे में सीएम हेल्पलाइन की धज्जियां उड़ाने वाले, लोकतंत्र के अधिकारियों को ठेंगा दिखाने वाले कर्मचारियों पर कब कार्रवाई की जाती है, या फिर मजबूर लाचार लोगों की समस्याओं को दबा दिया जाता है? जिस प्रकार से जनपद के पीसीओ और शायद उनका नाम दीपांकर है, और मैंने जब आवाज सुनी तो ये स्पष्ट क्लियर हुआ कि जो मामला आपके बगदरा हायर सेकेंडरी संकुल अंतर्गत ग्राम बरगवा का है, जो माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला संचालित है, वहाँ पे एक रसोइया है अभिलाषा देवी, और वो 2019 से आज तक कार्यरत हैं, और मात्र उनको 26 महीने का ही मानदेय प्राप्त हुआ है, और उस मानदेय पे ये काफ़ी परेशान रहे हैं और इनकी समस्या आज तक समाधान नहीं हुई, जिस पर खुद पीसीओ ये बोलते हुए उस आईडियो में नज़र आ रहे हैं, मैं सक्षम अधिकारी खुद हूँ और जो मैं चाहूँगा वही होगा, हमारी बात मान लो। तो वहाँ पे हितग्राही द्वारा भी ये कहा गया कि हमारे द्वारा 3-4 बार शिकायत की गई और यही आश्वासन देकर के हमारी शिकायत कटवाई जा रही है, इस बार मैं शिकायत नहीं कटवाऊंगा। तो इनके द्वारा जो अभद्रता की गई है और जिस प्रकार से एक धमकी भरा शब्द कहें तो अस्पष्ट दिख रहा है कि धमकी ही है, कि फ़ोन पे वो अस्पष्ट धमकी दे रहे हैं कि मैं सक्षम अधिकारी हूँ। आप सक्षम हो तो न्याय क्यों नहीं देते? यहाँ पे आए थे वो शिकायत दर्ज करवाए थे सीएम हेल्पलाइन में, पांकर सर जो है जनपद अपने मनमानी करके कटवा दिए, जबरदस्ती बोल रहे थे बंद करो नहीं किए, कुछ अपशब्द भी बोले और कह दिए कि नहीं करोगे बंद तो हम खुद बंद कर लेंगे, हमारे पास पावर है, तो उसी के विषय में आए थे। हाँ, हमारी पत्नी है अभिलाषा देवी जो रसोई में काम की है, उसका मानदेय 18 महीने का नहीं मिल पाया है, उसी के संबंध में हमने शिकायत किया था सीएम हेल्पलाइन में, जिसको लेकर के यहाँ से फोन किए जनपद दीपांकर सर, बोले कि बंद करा दो हम देख लेंगे बाद में क्या है, हम नहीं बंद किए, हमको निराकरण हो जाने के बाद हम बंद करेंगे, लेकिन वो बोले नहीं बंद कर दो नहीं तुम्हारे पास पावर है हम बंद करा लेंगे। फिर हम बोले कि नहीं पावर है तो भाई बंद करा लीजिए पर निराकरण कर दीजिए। दिया बीआरसी में कई बार गए, बीआरसी साहब से बोले जब जाते हैं बोलते हैं बस 2-4 दिन में हो जाएगा, ठीक है दे दो कागज पत्र जो मांगे सब दे दिए, लेकिन वही बोलते हैं दो चार दिन करके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।